आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ हाउ टू यूज जीपीएस इन मोबाइल, यानी जीपीएस का मोबाइल में यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका किसी भी कंपनी का मोबाइल हो, स्मार्टफोन है आपका, तो आप अपने मोबाइल में जीपीएस का उपयोग किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और फुल डेडिकेटेड वीडियो है ये जीपीएस के बारे में, तो आप सभी को इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीपीएस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है जब आप जीपीएस का उपयोग करते हैं, तो इससे बहुत सारी सुविधाएं होती हैं और मैं आप सभी को पूरी जानकारी जीपीएस के बारे में बताने वाला हूं, तो आप सभी को वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जीपीएस का इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना चाहिए। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको ये देखिए जीपीएस का जो है ऑप्शन आता कहाँ है। ये देखिए जीपीएस का, इसे लोकेशन को ही जीपीएस कहते हैं। इसे मान लीजिए इसे ऑन कर देना है। अगर ये ऑन नहीं है तो सबसे पहले ऑन कर लीजिए और यहाँ पे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स और होती हैं, उनको बताने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले चल रहे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आता है ये देखिए, और इसे ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आप सभी को नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सभी लोग मेरे उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेरा ही वीडियो है और ये मैंने 2 साल पहले बनाया था और ये 130,000 व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि भाई नया वीडियो बनाओ, 2024 का वीडियो बनाओ, क्योंकि ये 2021 का है। तो मैं फिर नया वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपको जो भी क्वायरीज है आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको नाइस वीडियो लिख देना है, नाइस वीडियो लिख देना है कमेंट में और ये कमेंट को सेंड कर देना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आपको शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के साथ। जैसे व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर चैट, स्नैपचैट, सभी जगह शेयर कर सकते हैं और आपको जहाँ भी शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक से एडवांस सेटिंग बताऊँगा। सबसे पहले इसमें कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड का जो है लाइव लोकेशन चेक करना चाहते हैं या आप अपने बॉयफ्रेंड का लाइव लोकेशन चेक करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये तरीका वर्क करेगा। आपको सबसे पहले करना क्या है, कुछ समय के लिए आपको केवल उसका जो है जीपीएस ऑन करके आपको थोड़ा सा मोबाइल ले लेना है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आप अपनी गर्लफ्रेंड का लाइव लोकेशन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा एक लोकेशन का ऑप्शन आता है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी बंद रहता है तो इसे आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ये आपको एक गूगल मैप्स का एक आपको एप्लीकेशन, सभी फ़ोन में डिफ़ॉल्ट ये ऐप मिलता ही है क्योंकि ये गूगल की तरफ से, तो पहले से डाउनलोड हुआ मिलेगा आपको, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड का है तो वो अभी लाइव लोकेशन अभी इसमें दिखाई देगी। उसके बाद इस लाइव लोकेशन को आपको अपने पास शेयर करना है, तो यहाँ पे ये देखिए आपको ये ऊपर एरो मिलेगा इस जगह पे, यहाँ पे, और इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन मिलेगा लोकेशन शेयरिंग का, देख सकते हैं यहाँ पे उसकी मेल आईडी लिखी होगी और यहाँ पे लोकेशन शेयरिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इससे होता क्या है, लोकेशन शेयरिंग पे सबसे पहले क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टे कनेक्टेड इस तरीके से लिख के आएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा शेयर लोकेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए साइन इन का ऑप्शन आएगा, आपको साइन इन पर क्लिक करना है और इससे मेल आईडी से साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पे मेल आईडी साइन इन करने के बाद फिर से शेयर लोकेशन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप सभी को ये टर्म एंड कंडीशन ऑप्शन पूछेगा, आपको टर्न ऑन कर देना है। तो ये सारी डिटेल्स टर्न ऑन कर देना है। अब उसके बाद ये कितनी देर के लिए लाइव लोकेशन भेजना है वो यहाँ पे समय आपको लिखा रहेगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे नंबर वगैरह कुछ लिखे रहते हैं कि अगर आप इन नंबर पर भेजना चाहते हैं तो यहाँ भेज सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं व्हाट्सअप पर भेजूँगा। तो यहाँ स्क्रॉल करते हुए आएँगे, व्हाट्सअप का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं व्हाट्सअप पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेयर पर क्लिक करेंगे, फिर ये रिडायरेक्ट कर देगा व्हाट्सएप पे। ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करने के बाद ये आपको थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर देगा। रिडायरेक्ट करने के बाद आप सभी को
क्लिक करना है, जिस नंबर पर भेजना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये मान लीजिए ये आपका नंबर है, क्योंकि आप अपनी गर्लफ्रेंड का लाइव लोकेशन अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो ये आप अपने नंबर पे भेजेंगे। भेजने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपकी लाइव लोकेशन आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे आपकी लाइव लोकेशन आ गई तो आपको यहाँ पे बैक हो जाना है। बैक होने से पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपकी आ चुकी है, अब यहाँ पे आपने ये भेज दिया है लोकेशन, तो इसको जो है यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके इसको डिलीट एवरी वन नहीं करना है, डिलीट फॉर मी करना है। इससे होगा क्या कि आपकी गर्लफ्रेंड को आपका पता नहीं चलेगा कि आपने लाइव लोकेशन भेजी। अब यहाँ से आपको इसे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद अब ये मोबाइल जो है उसको दे देना है। तो अभी फिलहाल के लिए ये मोबाइल मैं साइड कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल खोलेंगे तो ये देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज आ चुका है और यहाँ पे क्लिक करके देखिए लाइव लोकेशन आ चुकी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके उसी एप्लीकेशन पे गूगल मैप में, और ये आपके मोबाइल में होता ही है, सभी के मोबाइल में गूगल मैप होता है तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी जो है लाइव लोकेशन जो है चेक कर पाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे जो है लोकेशन जो है पूरी शेयरिंग कर रहा है और ये ऑटो डिटेक्ट करेगा कि जो लोकेशन आपने शेयर की थी वो कहाँ गई। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि तुरंत की लोकेशन तो दिखाएगा, अभी बाद की लोकेशन कहाँ दिखाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए एड्रेस वगैरह ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, और ये देखिए शेयर लोकेशन इस तरीके से लिख के आ रहा है। अभी डायरेक्शन भी क्लिक करके आप डायरेक्शन भी जा सकते हैं कि वो डायरेक्शन गई कहाँ। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्शन भी जो है अभी रिडायरेक्ट कर देगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर तुरंत के लिए तो पता चल जाएगा लेकिन बाद के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने लोकेशन शेयर करते समय आपने देखा होगा कि एक घंटे का टाइमर आपने लगाया था, एक घंटे में कहाँ कहाँ वो ये मोबाइल गया है उसके बारे में यहाँ पर आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। इसके तरीके से आप जो है आसानी के साथ इस लोकेशन शेयरिंग की मदद से, इस जीपीएस की मदद से आप आसानी से चेक कर सकते हैं, और इसके और भी कई सारे फायदे होते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि ये जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके का आप बिल्कुल भी गलत उपयोग मत कीजिएगा। अगर आप इस तरीके का गलत उपयोग करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह चैनल केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई भी घर का मेंबर है वो कहीं गुम हो जाता है, तो उस स्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग किसी अन्य काम में भी उपयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, और यहाँ पे लाइव लोकेशन जो है वो देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और लाइव लोकेशन आप पता भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई लाइव लोकेशन की बात, एक तो तरीका ये हो गया, और इसके और भी कई सारे फायदे हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले इस वाले मोबाइल को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे इस वाले मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। तो अब जो है आगे का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक मैप ओपन करेंगे तो ये लोकेशन तो शेयर इस तरीके से आप कर सकते हैं और इस तरीके से आपको पता भी चल जाएगा। अब इसको जैसे स्टॉप करना है तो जैसे मान लीजिए जब कोई आ जाता है वापस स्टॉप कर दीजिए, यहाँ पे बैक आएंगे। अब यहाँ पे और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट आप ढूंढ सकते हैं कि आसपास आपके रेस्टोरेंट कहाँ हैं और कहाँ कहाँ नहीं, ये देखिए रेस्टोरेंट के बारे में मिल जाएगा, और भी रेस्टोरेंट में क्या क्या खाना मिलता है वो मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए पेट्रोल पंप्स आपको पता लगाना है पेट्रोल पंप्स कहाँ कहाँ हैं, तो ये देखिए पेट्रोल पंप भी आपके नज़दीक में जो पेट्रोल पंप हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको बहुत सारी डिटेल्स इस गूगल मैप या जीपीएस की मदद से आसानी से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको जीपीएस यूज करने के बारे में पूरी जानकारी पता चल गई होगी। दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप सभी को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल आता है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।